हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ पनीर वेज पराठा की रेसिपी। तो चलिए जानते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ मैंने एक ले लिया है, एक कटोरी बीन्स, और ये 2 से 3 गाजर है, और एक बड़ा प्याज है, और मैंने थोड़े से पनीर ले लिए हैं, उसे ग्रेट कर लिया है, और ये हरी मिर्च है। तो सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे और हरी मिर्च। तो अब हम इसमें ये गाजर डाल देंगे और ये बीन्स। अब हम इसे 1 से 2 मिनट भून लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ये ग्रेट पनीर डाल देंगे और अब इन सबको हम थोड़ा भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ये गोल मिर्च डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सबको हम मिला लेंगे। अब हम इसमें मिर्ची पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबल के करीब, और इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको हम मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब हम इसे निकाल के ठंडा करते हैं और इसके पराठे बनाते हैं। तो मैंने प्लेट में इस तरीके से निकाल दिया है, जब ये पूरे तरीके से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, तो चलिए हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आटे की लोई लेंगे और इसमें सूखा आटा डिप कर लेंगे और हल्का बेल लेंगे। इस तरीके से हम सूखा आटा डिप कर करके बेलेंगे, और इतना बड़ा हमें बेलना है। और अब हम इसमें ये स्टफिंग फिल करेंगे। तो अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे किनारों को, हमें अच्छे से इस तरीके से पैक कर देना और हल्का दबा देना है। और सूखा आटा लगा के अब हम इसे बेलेंगे। तो इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथों से बेलते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से बेल लिया है, चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपने ये पराठे डाल देंगे। तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे, और जब तक ये सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो अब हम इसमें घी डाल देंगे, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने घी लगा दिया है, इसे टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ भी हम घी लगा लेंगे। तो पराठे हमारे सिक चुके हैं, इस तरीके से मैंने सेक लिया दबा दबा के, और अब हम दूसरा भी सेक लेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने दूसरा भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं इसकी स्टफिंग बाहर आ गई है और ये बिल्कुल निकले नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से ठंडे हो चुके थे तभी मैंने स्टफ़ किया था। और फीलिंग जितनी ज़्यादा डालिएगा उतना ही टेस्टी लगता है पराठा। तो चलिए अब हम इसे भी सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पराठे तैयार हैं बिल्कुल खाने के लिए। मैंने इसे सेजवान चटनी के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इसे दही के साथ, अचार के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। इसमें वेजिटेबल और पनीर है, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ही फ़ायदेमंद है। तो आप एक बार मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है कमेंट करके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और भी मैं इसी तरीके से वीडियो लाती रहूँगी। तो
मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।